पटना में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यूज 18 की टीम को बड़ा चैलेंज दे दिया। न्यूज 18 की टीम ने पर्ची पर पूछे जाने वाले सवाल का जवाब पहले से ही लिखे होने की आशंका जताई, जिस पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यूज 18 की टीम को मंच से ही चुनौती दे दी। उन्होंने बिना किसी को बुलाए पहले ही दो पर्चे लिख लिए। इसके बाद उन्होंने न्यूज 18 की टीम को चैलेंज दिया कि वो भीड़ से कोई भी दो लोग लेकर आए और उन्होंने जो पर्चे पहले ही लिखे हैं वो उन्हीं दोनों के निकलेंगे। जिनका हमने पर्चा लिखा आप उन्हीं को उठा के लाएंगे, आपकी क्षमता नहीं है कि किसी और को लेकर जाए। इसके बाद न्यूज 18 की टीम मंच के नीचे जुटी भीड़ के बीच पहुंची। काफी देर तक ढूंढने के बाद दो परिवारों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के पास वो पहुंची। इसके बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने उन दोनों के पूछने से पहले ही उनकी समस्याएं बता दी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, वहां बीएसपी के एक प्रत्याशी ने जीते हुए बीजेपी पार्षद को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे नाराज हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीएसपी प्रत्याशी पर भी थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि बीजेपी पार्षद चुनाव जीतने के बाद हारे हुए बीएसपी प्रत्याशी सुशील कुमार पाल से मिलने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो गले मिलने लगे बीएसपी प्रत्याशी ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। पर इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी भड़क गया और उन्होंने भी थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे दिया। ये वीडियो दो दिन पुराना बताया गया। उधर यूरोप के देश हॉलैंड के खोनियन शहर में एक फुटबॉल मैच के दौरान जमकर बवाल हो गया। वहां खोनियन नाम के फुटबॉल क्लब के कुछ समर्थकों ने मैच के दौरान ही हंगामा शुरू कर दिया और इस दौरान एक समर्थक तो मैदान के अंदर तक घुस गया। हालांकि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे बाहर ले गए। ये मैच हॉलैंड के फुटबॉल क्लब आयक्स और खोनियन के बीच खेला जा रहा था। हालांकि मैच शुरू होने से पहले तक सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही खेल शुरू हुआ खोनियन क्लब के कुछ समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और फिर उनका गुस्सा इतना ज्यादा भड़क गया कि उनमें कई लोगों ने मैदान पर स्मोक बम भी फेंक दिए, जिससे वहां चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। हालांकि माहौल बिगड़ते ही सभी खिलाड़ियों को सुरक्षित मैदान से बाहर ले जाया गया और मैच रद्द कर दिया गया। इधर सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पत्नियों के बीच विवाद की बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो ये विवाद संपत्ति को लेकर है, जिसकी शुरुआत अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद हुई। जब अतीक के जेल जाते ही उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने हवाला कारोबार और वसूली गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली। इसके बाद वसूली और हवाला का सारा पैसा शाइस्ता के पास आता था, जिस पर जैनब को कड़ा एतराज था। अशरफ की पत्नी जैनब हवाला और वसूली का पैसा सीधे शाइस्ता को देने का कई बार विरोध कर चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस बात की खबर अतीक के वकील सौलत हनीफ से पूछताछ में लगी। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि देवरानी जेठानी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। शाइस्ता और जैनब के बीच संपत्ति को लेकर भी मतभेद था और सूत्रों के मुताबिक हवाला कारोबार और वसूली गैंग समेत अतीक के तमाम काले धंधों पर राजदार वकील सौलत हनीफ ही था। इसलिए यूपी पुलिस सौलत हनीफ की गवाही को बेहद अहम मान रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि एक बार एक बिल्डर ने शाइस्ता परवीन को बड़ी कार दी थी और इससे जैनब काफी ज्यादा नाराज हो गई थी, जिसके बाद जैनब ने सीधे अपने पति अशरफ को फोन लगाया और गाड़ी की जिद की, जिसके बाद अशरफ ने उस बिल्डर को फोन करके एक और गाड़ी जैनब को देने को कहा। बताया गया कि बिल्डर को जैनब को भी शाइस्ता जैसी ही गाड़ी देनी पड़ी, लेकिन शाइस्ता और जैनब के बीच विवाद लगातार बढ़ता रहा। यहां तक कि सौलत हनीफ ने पुलिस को बताया कि जैनब ने उस पर भी हवाला और वसूली का पैसा देने को लेकर कई बार दबाव बनाया।